दोस्तों जैसा हम सभी को पता है कि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब यहाँ पे वही होता है कि भाई हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ये हम सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि आपको वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन यहाँ पे पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट बंद है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे ट्रैवल कर पाओगे, क्या आपके पास ऑप्शन होंगे? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत मेजर अपडेट आया जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, और मुझे उम्मीद है कि काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इस सारी पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टन, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं आपकी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, मान लीजिए कि किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की भगवान न करे किसी की डेथ हो गई और आपको वहाँ पे पहुँचना है, तो इस सिचुएशन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जहाँ पे आपको इमरजेंसी ट्रैवल पास मिलेगा, उस पास को लेके आप विद इन महाराष्ट्र ट्रैवल कर सकते हो। महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ जहाँ आपके जो भी एरिया कवर होते हैं, आप सारे लोकेशन पे इजीली ट्रैवल कर पाओगे। उसके लिए आपको एक इमरजेंसी पास बनाना पड़ेगा। तो इमरजेंसी पास बनाने का प्रोसेस एकदम ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे आप इस इमरजेंसी पास को अवेल कर सकते हो। तो इस इमरजेंसी ट्रैवल पास को अवेल करने से पहले, इसका प्रोसेस जानने से पहले, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, बाकी स्टेट में शायद बहुत जल्दी आना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी अपडेट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्टेप बाकी स्टेट में भी अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि पूरे प्रोसेस को कि आप कैसे अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसी के साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जाना है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, क्लिक करने के बाद वहां पे आप देखोगे आपको ऑप्शन मिलेगा एक इंपॉर्टेंट नोटिस करके, हिंदी में भी लिखा है, मराठी में भी लिखा है, आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हो वो चुन लीजिए। उसके बाद वहां पे ऑप्शन एक आवेदन करें, तो उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है, और वो फॉर्म जैसे ही ओपन होता है तो वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर और बाकी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो फिलअप करना है। इसी के साथ ही साथ आपको कहां से कहां तक जाना है वो आपको फिल करना है, आपके गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर भी आपको एंटर करना है, आपके साथ कितने लोग हैं वो भी एंटर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेंगी इसी फॉर्म में। इसी के साथ ही साथ जो मेजर चीज यहां पे है, आपको अपलोड करने आपका फोटोग्राफ, इसी के साथ ही साथ आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हो। जैसे कि समझ लो किसी की डेथ हो गई, तो उससे डेथ से रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट या फिर कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पे आपको हॉस्पिटल का जो भी बिल या फिर कुछ भी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन आपको वहां पे अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे ही आपने क्लिक किया सबमिट पे, आपका प्रोसेस हो गया पूरा कंप्लीट, आपको एक टोकन आईडी मिल जाएगा, और टोकन आईडी मिलने के बाद बस आपको वेट करना है उनके अप्रूवल का, और जैसे भी वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और बहुत ही जल्दी आपको आपका इमरजेंसी ट्रैवल पास मिल जाएगा। तो इस ढंग से आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस ढंग से ट्रैवल कर सकते हो। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग ऐसा मत कमेंट करना कि भाई हमारे स्टेट के लिए नहीं है तो हम क्यों वीडियो देखे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही साथ समझ लो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, और फॉर्म फिलअप करने के कुछ दिनों बाद, मतलब 2-4 दिन तक अगर आपको इमरजेंसी पास नहीं मिला तो आप इसको वेरीफाई भी करवा सकते हो, मतलब आप खुद ही जाकर चेक कर सकते हो उसका करंट स्टेटस। तो स्टेटस को जानने के लिए सिर्फ आपको वही सेम वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप देखोगे जहां पे आवेदन करे वो जो ऑप्शन था उसके उसी के नीचे ऑप्शन है वहां पे चेक करने का करंट स्टेटस, तो वहां पे आप क्लिक कीजिए और आपको जो टोकन नंबर मिला हुआ है वो आप वहां पे एंटर कर दीजिए, और आप वहां से चेक कर सकते हो क्या स्टेटस है और कब तक आपको मिल जाएगा इमरजेंसी ट्रैवल पास। तो दोस्तों मेरे हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हम सभी को एक हेल्प मिल जाएगी अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आए, भगवान न करे किसी के यहाँ पे आए, अगर आ जाती है तो यहाँ पे हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसी के साथ ही साथ ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस वीडियो के माध्यम से कहने के लिए, तो मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस है, नर्सेस, डॉक्टर्स और जितने भी लोग इस महामारी को दूर करने में लगे हुए, सभी को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हम अगर आप लोग हो तभी आज हम सुरक्षित है, हमारी हेल्थ सुरक्षित है, बस आप ही के तो वजह से, और आपका मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा।
और दोस्तों आपका क्या मानना है इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इसी के साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके को जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो ही इस चीज़ को अवेल कीजिए इस फैसिलिटी को, बाकी टाइम पास करने वाली चीज़ तो है नहीं। हम सभी परेशान हैं और हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सब लगे हुए हमारी सेवा करने में, तो उन चीज़ को उन लोगों का भी ध्यान रखिए और इस चीज़ को मिसयूज़ मत कीजिए। इसी के साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी कैट चैनल को, हमारे हैप्पी कैट फैमिली को। और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी कैट। बाय बाय।